दत्तू इसका वीडियो भी बनाओ मेरे लिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। ओके सर, सबसे पहले सर कांग्रेचुलेशन, पूरे इंडस्ट्री में आपने 35 ईयर कंप्लीट कर दिया, तो सर आपको हर फिल्मों में मिलते हैं, लेकिन ये जो फीलिंग है 35 ईयर वाली, इसे कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ है? मैं अपने करियर का इंटरवल देखता हूँ इसे, कि अभी 35 ईयर्स जो हुए हैं और 515 फिल्में जो हुई हैं, मेरे करियर का एज एन एक्टर इंटरवल हुआ है। और इंटरवल में जैसे हम बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कैसा रहा मेरा फर्स्ट हाफ, और फिर या चाय वाय पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, वैसे ही मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ और पूछने कि भैया फ़र्स्ट हाफ तो अच्छा गया है, अब सेकेंड हाफ इससे बेटर जाना चाहिए। ऑल्सो मैं अपने जीवन के ज़रिए उन सभी लोगों को प्रेरित करना चाहता था जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं, जो सिर्फ ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरी जीवन गाथा अगर कहीं उनको लगती है कि प्रेरित करती है तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो मैं लोगों की जीवनी पढ़ता था और मैं सोचता था कि अगर इनका कुछ हो सकता है तो मेरा भी कुछ हो सकता है, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आज जो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर, आज मैंने अपनी जीवनी पर आधारित जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसका पोस्टर भी रिलीज़ किया है। उसका नाम, मेरी ऑटोबायोग्राफी का किताब का नाम जो है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, वो भी मैंने आज रिलीज़ किया है। सो इट्स बीन वंडरफुल 35 ईयर्स। आई थिंक इस इंडस्ट्री ने फर्स्ट हाफ में मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी मिलेगा, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मेरे बहुत सारे काम, फेलियर मेरे हिसाब से एक इवेंट है, पर्सन नहीं है, और आप अपने एटीट्यूड से कामयाब होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, गॉड इज़ बीन काइंड। सर 35 इयर्स तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में, टैलेंट के मामले में, एक्टिंग के मामले में, हमारे जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, कल के आए, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ भाई, वही मैं बोल रहा था, वो उनको भी आप चैलेंज देते हैं, कॉम्पिटिशन देते हैं, ये कैसे बरकरार रखते हैं? मुझे लगता है कि हम अपने आप से खुद ही थक जाते हैं, हम अपने आप ही अपनी जो हैं छोटी छोटी जो नाकामयाबियाँ या लिमिट्स ढूंढ लेते हैं, और इंसान लिमिटलेस है। अगर आप ये सोच के चलें कि देर इज़ नो लिमिट टू योर कैपेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़, अगर एक टांग वाला इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, अगर 84 ईयर ओल्ड, मैंने अभी एक वीडियो देखा, बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास, बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। तो मैं कभी ये नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं जिया कि ये हो नहीं सकता है, मैंने तो अपनी फ़िलॉसफी का नाम ही रखा है कि कुछ भी हो सकता है। तो मैं आजकल बहुत सारी जनरेशन के, आजकल की जनरेशन के लोग बोलते हैं दैट इज़ द वे आई एम, मैं तो 100 ईयर्स का भी हो जाने के बाद भी बोलूँगा नहीं कि दैट इज़ द वे आई एम, बिकॉज द मोमेंट यू से दैट इज़ द वे आई एम, दैट मीन्स यू आर लिमिटिंग योर पॉसिबिलिटीज़, और सब कुछ हो सकता है। तो मेरे ज़रिए मैंने सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि लोग आपको रिटायर करने की कोशिश करते हैं बोल के कि लेजेंड आ गया, थेस्पियन आ गया, वेटरन आ गया। मुझे इन शब्दों से बड़ी एलर्जी है, क्योंकि अच्छे शब्द हैं, बहुत होने भी चाहिए, मगर इसका ये भी मतलब होता है धीरे धीरे कि अब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा और अब आप छुट्टी करिए। मैं तो 100 साल की उम्र में ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लूँ, ऐसे मिले तो ये, इसलिए नए नए काम ढूंढना ज़रूरी है। तो मैं अभी विदेश में जाके एक सीरीज़ कर रहा हूँ, वो भी कामयाब हो गया, और कुछ लोगों को मज़ा आता है अपने को आपको चैलेंज करना, मुझे अपने आप को चैलेंज करना मज़ा आता है। कोई लोग जब मुझे अपने डॉले शॉले दिखाते हैं तो फिर मुझे लगा क्यों नहीं हो सकता, तो फिर मैंने फिटनेस की तरफ ध्यान दिया। अब मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे बोलता है कि 10 डालूँ 12 डालूँ, तो मैं बोलता हूँ 15 डालो तो फिर मुझे श्रद्धा की भाव से देखता है। तो ये सब करने के लिए कुछ अपने आप को चैलेंज करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर आप मेहनत करें और आप ईमानदारी से काम करें और वो हासिल ना की जा सके। मैंने हमेशा डेब्यू डायरेक्टर, मैंने जितने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम किया, आई डोंट थिंक एनी एक्टर हैज़ डन दैट, चाहे वो आदि चोपड़ा हों, चाहे वो करण जौहर हों उनकी पहली फिल्म में, चाहे वो दिवाकर बनर्जी हों, चाहे वो नीरज पांडे हों,
आप देख लीजिए, या एंथनी मरास हों जिन्होंने होटल मुंबई डायरेक्ट किए हैं, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि वो अपना पैशन जो लेकर आते हैं फर्स्ट फिल्म में, वो बड़ा इन्फेक्शियस होता है, उसको देख के बड़ा जोश आता है। और अशोक नंदा जी की भी फिल्म जो है ये वन डे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कल मैंने ये फिल्म देखी और मुझे अपना रोल मैंने अच्छा किया है। मुझे लगा कि बहुत घबराहट होती ना कि अब स्कूल चलाता हूँ मैं एक्टिंग का, और लोग कहते हैं कि अगर ये हमको पढ़ाता है तो थोड़ा बेटर ही करे तो अच्छा है। सो इट्स ए गुड, दिस फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक जज की कहानी है जो जिस दिन रिटायर होता है, हमारे यहाँ जो है केसेस बहुत देर तक चलते हैं, और जज को जो है वो रूल बुक के हिसाब से अपना डिसीजन देना पड़ता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि, और जो कि कहानी अशोक लेकर आए, कि जज को कभी तो लगता होगा कि मैंने ये जो ये आदमी जो है मुजरिम के कटघरे में खड़ा है, उसको लगता होगा एज ए पर्सन कि ये मुजरिम तो है, मगर क्योंकि सबूत इसके खिलाफ नहीं आ रहे हैं पूरी तरह से, या इसको कानून की किताब के हिसाब से मुझे इसको छोड़ना है, तो उसको खुद को क्या लगता होगा कि यार मैंने इसको छोड़ दिया पर बिकॉज कानून के दायरे में मुझे इसका फैसला सुनाना था। तो ये एक ऐसे जस्टिस त्यागी की कहानी है जो चार ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके बारे में बिकॉज सबूत नहीं थे उसने उनको छोड़ना पड़ा, और फिर उनको ढूंढता है एंड देन उनको मारता है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, और चूँकि शुरू में 10 मिनट में पता लग जाता है इसलिए मैंने कहानी सुना दी, बट कैसे करता है, कैसे ढूंढता है, और फिर लॉ जो है उसको पकड़ नहीं सकता है बिकॉज ही नोज हाउ टू गो अबाउट इट। सो हमारे यहाँ जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो इस तरह की फिल्में शायद इस तरफ थोड़ा सा ध्यान बांटें कि भाई बहुत सारे केसेस हैं जो सॉल्व ही नहीं होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, मैंने तो इस पर अपनी ऑटोबायोग्राफी पर प्ले भी किया, कुछ भी हो सकता है, अपनी जीवनी पर आधारित आज से 14 साल से कर रहा हूँ, पर आज मैंने अपना फर्स्ट पोस्टर प्री ऑर्डर सेल पे जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे है वो डाला। मेरी किताब का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। मैंने जैसा पहले बताया कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के अंश ढूंढते हैं। लाइफ इज़ अबाउट होप, अबाउट एस्पिरेशन, अबाउट वर्किंग हार्ड, अबाउट नॉट बीइंग स्केयर्ड ऑफ फेलियर। तो वो सब चीज़ें इस किताब में, और ये मेरी एक पूरी जर्नी है कि कब मैंने, जब सारांश में मुझे भट्ट साहब ने निकाल दिया, आज भट्ट साहब ने मेरी किताब के बारे में अभी ट्वीट किया और पैसे भी मांगे हैं ट्वीट करने के, भेजूँगा उनको। या फिर जब किरण ने दिलवाले दुल्हनिया का नाम रखा था, उसने टाइटल दिया था आदि चोपड़ा को उस फिल्म का, या जब मैंने दिबाकर बैनर्जी मुझे 20 मिनट के लिए स्टोरी सुनाने आए थे खोसला के घोंसला की, और मैंने 3 घंटे उनके साथ गुजारे थे, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों की एक उत्सुकता होती है, बट उसके अलावा कुछ लेसन्स भी हैं जो मैंने ज़िंदगी के बारे में सीखे। दैट्स वाई द बुक इज़ कॉल्ड लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ओके दोस्तों, क्या बोल रही, बस हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, ये डालते रहना। किसका? अमरीश पुरी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। कभी कभी जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में थे में बोलना या पास्ट टेंस में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शिमला से थे, बहुत ज़बरदस्त किरदार करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिस्टर इंडिया में पहले मोगैम्बो का रोल मुझे ऑफ़र हुआ था, और फिर मुझे 1.5 महीने बाद निकाल दिया गया था। तो मुझे आमतौर पर जब किसी चीज़ से निकाला जाए उसका दुख होता है, मगर जब मैंने मिस्टर इंडिया देखी और मैंने अमरीश जी का किरदार देखा मोगैम्बो का, तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा डिसीजन लिया इन लोगों ने, अमरीश जी को लिया था। अमरीश जी बड़े अनसंग से हीरो थे। हम मुझे लगता है कि कभी कभी कितने लोग चले जाते हैं हम उनको याद नहीं कर रखते, पर आज गूगल पे उनका फ़ोटो है आज के डे के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट जेंटलेस्ट पर्सन, इतने जेंटल किस्म के आदमी थे, इतने बड़े बड़े रोल करते थे खतरनाक किस्म के, मगर आम जिंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान थे, और मैं उनको मिस करता हूँ।